हेलो फ्रेंड, फेमस टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि साहिबा की विश पूरी करने के लिए अंगद गया मनवीर के खिलाफ, तो वहीं अंगद का साहिबा के लिए ये झुकाव देख के मनवीर हुई काफ़ी ज़्यादा हर्ट अंगद से। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां साहिबा की खुशी और उसके सपने को पूरा करने के चक्कर में यहां पर अंगद चला जाएगा दारजी और पूरे परिवार के फैसले के खिलाफ, और सबके सामने कर देगा साहिबा के आर्ट्स कॉलेज के एडमिशन फॉर्म पर साइन। तो वहीं अंगद की इस हरकत से भयंकर गुस्सा फूटने वाला है मनवीर का साहिबा पर, जहां मनवीर सबके सामने ये कहती हुई नजर आने वाली है कि पता नहीं इस लड़की ने मेरे बेटे पर कौन सा जादू कर दिया है, कौन सा टोना टोटका कर दिया है जो ये पागलों की तरह इसके आगे पीछे घूमता रहता है, और जहां इसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और कूद गया आग में इस लड़की की जान को बचाने। और इतना ही नहीं, अंगद ने साहिबा के पापा को फिर से दुकान बनवा के भी दे दी और साथ के साथ बरार ज्वेलर्स के साथ बिजनेस करने का ऑफर भी दे दिया। और सबसे बड़ी बात तो इसने आज कर दी, इस लड़की के चक्कर में जो लड़का अपने दारजी की बात को पत्थर की लकीर समझता था, आज वही अंगद अपने ही दारजी के फैसले के खिलाफ चला गया और साइन कर दिए इसके एडमिशन फॉर्म पर। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि गुस्से में मनवीर जहां अपना कंट्रोल खो बैठेगी और साहिबा को सबके सामने ज़ोरदार थप्पड़ जड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाएगी कि तभी अंगद बीच में आ जाएगा और मनवीर के हाथ को रोकता हुआ नज़र आएगा और साफ साफ मनवीर से कहता नज़र आएगा कि मम्मा मुझे नहीं लगता साहिबा कुछ गलत कर रही है जिसके लिए उसे रोका जाए। साहिबा कौन सा गलत काम कर रही है कॉलेज में एडमिशन लेके, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। अगर वो पढ़ना चाहती है और अपने सपनों को पूरा करना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है, हर किसी को हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। वहीं अंगद मनवीर से ये साफ साफ कहता नज़र आएगा कि मम्मा अगर वक्त रहते आपने पापा के सपनों को अगर सपोर्ट किया होता तो शायद पापा आपसे और हमारे परिवार से दूरियां ना बना लेते और वो हमारे साथ खुशी खुशी रहते। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे ये ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहां अंगद पूरे परिवार के सामने साहिबा का हाथ थामते नज़र आने वाला है और कहते हुए नज़र आने वाला है कि साहिबा मेरी पत्नी है और मेरी जिम्मेदारी भी है, तो मैं इसके लिए अपने सारे फ़र्ज पूरे करूंगा क्योंकि मैं इसका हस्बैंड हूं, तो इसके सपने भी मेरे हुए ना, तो मैं अब किसी भी हाल में अपनी पत्नी का ये सपना तो पूरा करके ही रहूंगा और हर कदम में इसके साथ खड़ा रहूंगा और साथ दूंगा। तो दोस्तों, अंगद के इस डिसीज़न को शो में देखने के लिए आप सब कितने हैं एक्साइटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।